हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दी है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड द सेल ऑफ फायर क्रैकर्स एंड फायरवर्क्स, एंड द ऑप्शंस आर पंजाब, बिहार, राजस्थान एंड कर्नाटका, एंड द राइट आंसर इज राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान गवर्नमेंट ने पटाखा की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है राजस्थान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में OBC को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड नाउ हाउ मेनी परसेंट रिजर्वेशन ऑफ OBCs इन सैनिक स्कूल्स, एंड द ऑप्शंस आर 50%, 27%, 40% एंड 35%, एंड द राइट आंसर इज 27%। जी हाँ, केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में OBC यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है 27%। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप का खिताब जीता है? Which female wrestler of India has won the title of mixed martial art championship for the third consecutive time in Singapore? मतलब कि सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप का खिताब जीता है। इसके लिए ऑप्शंस हैं रितु फोगाट, सोनिका कालीरमन, नेहा राठी, ललिता सहरावत, एंड द राइट आंसर इज रितु फोगाट। जी हाँ, रितु फोगाट ने लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप का खिताब जीता है, जो कि सिंगापुर में हुआ। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है रितु फोगाट। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंडियाज फर्स्ट एवर ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल इज इनॉग्रेटेड, कहाँ इसका इनॉग्रेशन किया गया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, एंड द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सौर ऊर्जा से चलने वाली लघु ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इन विच स्टेट द फर्स्ट सोलर पावर मिनी ट्रेन इज इनॉग्रेटेड इन इंडिया, एंड द ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात एंड केरल, और इसके लिए सही आंसर है केरला। जी हाँ, केरला के तिरुवनंतपुरम में भारत में पहली बार सौर ऊर्जा से चलने वाली लघु ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है केरल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला T20 चैलेंज के लिए किस ब्रांड को शीर्षक प्रायोजक के रूप में चुना गया है? विच ब्रांड हैज चूजन एज द टाइटल स्पॉन्सर फॉर द 2020 वुमेंस T20 चैलेंज, एंड द ऑप्शंस आर BSNL, बाइजूज, जियो, अमेजोन, एंड द राइट आंसर इज जियो। जी हाँ, जियो को महिला T20 चैलेंज के लिए शीर्षक प्रायोजक के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है जियो। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, एंड द ऑप्शंस आर तमाल बंदोपाध्याय, एनके सिंह, शशि थरूर, पद्म पाणी बोरा, एंड द राइट आंसर इज तमाल बंदोपाध्याय। जी हाँ, तमाल बंदोपाध्याय की ही ये पुस्तक है, उसके राइटर तमाल बंदोपाध्याय हैं। पुस्तक का नाम है पैंडेमोनियम
द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। तो इसके लिए राइट आंसर है तमाल बंदोपाध्याय। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज सी 452 को किस सेना में शामिल किया गया है? शिप सी 452 इज इंक्लूडेड इन विच आर्मी? एंड द ऑप्शंस आर इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। एंड द राइट आंसर इज इंडियन कोस्ट गार्ड। जी हाँ, भारतीय तटरक्षक बल में जहाज सी 452 को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी कि भारतीय तटरक्षक बल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टीमेट गोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु रोट द बुक द अल्टीमेट गोल? एंड द ऑप्शंस आर सुधा शर्मा, विकास खन्ना, प्रियंका चोपड़ा, विक्रम सूद। तो क्वेश्चन है कि द अल्टीमेट गोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, और इसके लिए राइट आंसर है विक्रम सूद। जी हाँ, विक्रम सूद द्वारा लिखित है यह पुस्तक द अल्टीमेट गोल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एजू थचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बिन अवार्डेड द एजू थचन प्राइज 2020? एंड द ऑप्शंस आर पाल जाथरिया, पी एस रानीपसे, राघव मल्होत्रा, ब्रायन स्टीवेंसन। एंड द राइट आंसर इज पॉल जाजरिया। तो पॉल जाजरिया को यह पुरस्कार दिया गया है, एजू थचन पुरस्कार यानी एजू थचन प्राइज, और यह केरल का साहित्य अकादमी पुरस्कार है, केरल का सर्वोच्च पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य अकादमी पुरस्कार केरल का, इसका नाम है एजू थचन प्राइज, और इसे दिया गया है पॉल जाचरिया को। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है पॉल जाचरिया। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारा कल का प्रश्न था, भारत ने हाल ही में किस विमान का उपयोग करते हुए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल हवाई लॉन्च के सबसे लंबे समय तक सफल परीक्षण किया है? और इसके लिए सही आंसर था सुखोई। जी हाँ, सुखोई विमान का उपयोग करते हुए क्रूज मिसाइल हवाई लॉन्च के सबसे लंबे समय तक का परीक्षण किया गया। तो आइए देखते हैं आपके लिए हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? रिसेंटली इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क विल बी बिल्ट? एंड द ऑप्शंस आर वेस्ट बंगाल, केरला, गुजरात एंड गोवा। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर आप इस चैनल पर नए हैं, तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स के साथ शेयर करें, और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।